आइए मेरे साथ चलिए लखनऊ की इन बस्तियों की ओर जिनके बारे में अक्सर चुनाव के समय चर्चा बहुत कम होती है। यह इलाका सदर का है। सदर में किला मोहल्ला इलाका है जहाँ पर बड़ी संख्या में वाल्मीकि और मुसलमान समाज के लोग रहते हैं। जिस तरह से लखनऊ को स्मार्ट सिटी, लखनऊ को जो योगी जी का बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट यहाँ पर चलते रहे हैं, उनकी क्या असलियत है, इसकी तस्वीर एक एक गली, एक एक मोहल्ला यहाँ का कहता है। आखिर चुनाव के समय यहाँ के लोग क्या सोचकर किन मुद्दों पर वोट देंगे, जो 80 और 20 में मुसलमानों को और हिंदुओं को टकराने की तैयारी योगी सरकार कर रही है, क्या उसकी गूंज इन इलाकों में भी सुनाई देगी हमें। क्या काम करती रही हैं आप अभी? सर जी, हम लोग वही काम करते थे, सफाई वाला। तो हम लोग का तो काम हम छूट गया, प्राइवेट ऐसे ही काम करते भी हम लोग। तो सफाई वाला क्या काम करती थी? वही कमाने वाला, महिला वाला। महिला कितने साल किया था? अरे बहुत दिन किया, 20-25 साल किया। हाँ, तब से कर रहे हैं हम लोग। आपने भी? जी। ये बताएं, आप लोग वोट डालती हैं? जी हाँ, हम लोग डालते हैं। सारे लोग पक्का डालते हैं। इस बार क्या मुद्दा है आपके हिसाब से? क्या मुद्दा? यही है, मायावती को देंगे, बाकी वही आएंगी बस। हाँ, हम तो वोट देते हैं। वोट हमारा हर साल देती हैं? हर साल देते हैं, जब भी होता है चुनाव। वोट हमारा, हम इस बार क्या देते हैं? मोदी जी को ही देते हैं। काफी सुरक्षा है उनके होने से, काफी जो है मतलब वो सब रहता है कि लड़कियों की भी सुरक्षा रहती है, इसलिए हम लोग मोदी जी को वोट देते हैं। और अखिल भी यही, उन्हीं को देंगे। जी ठीक है, आप मोदी जी क्यों बोल रही हैं? चुनाव तो योगी जी का है। अरे योगी जी, मोदी जी हैं तो सब एक ही पार्टी के ना। तो क्या क्या फायदा रहा आपको 5 साल में? महंगाई बहुत कम हो गई। महंगाई तो है काफी, लेकिन जो है महंगाई तो जैसे थी वैसे ही है, बढ़ती भी है। राशन में क्या है कि मतलब जो राशन देते हैं वही लोग थोड़ा ज्यादा घालमेल करते हैं, और क्या कुछ नहीं अच्छा हुआ। क्या राशन ही दे रहे, और क्या अच्छा हुआ है? ना किसी का नौकरी ना कुछ। वो कह रही है कि सुरक्षा भी हो गई, राशन भी मिल गया, महंगाई भी ज्यादा बढ़ी नहीं है। क्या है, नहीं बढ़ी, बहुत बढ़ गई है महंगाई तो हर चीज पे। भाई हमारे लोग को लिए तो हो गया 200 रुपए किलो तेल, कभी 200 रुपए तेल नहीं बिका, अब बिक रहा है। तेल लेगा, बताइए गरीब आदमी कैसे खाएगा? महंगाई तो वही है भैया, मेरे लिए है। क्या नाम है आपका, क्या करती हैं आप? हमारा नाम ज्योति है, अभी तो हम स्टूडेंट हैं, एमए कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी। ये बताएं कि योगी जी ने कहा कि 5 सालों में रिकॉर्ड नौकरियां मिली हैं, आपके इस मोहल्ले में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली? मेरी तो नजर में तो फिलहाल अभी तो नहीं मिली है। नहीं, रिश्तेदार नातेदार में मिली होगी? नहीं, अभी नहीं। 5 साल में कोई नौकरी नहीं मिली? नहीं, खुद ही लोग अपना ही प्राइवेट कर रहे हैं, कोई सरकारी जॉब तो है नहीं। कई लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा रहा 5 साल, काफी सुरक्षा रही, और वो लोग योगी जी को वोट देंगे, तो आपका क्या विचार है? सुरक्षा की तो नहीं कह सकते हैं, बट जो गरीबों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो अमीर लोग थोड़े ना झेल सकते हैं। जो गरीब झेल रहे हैं वो अमीर तो झेल नहीं सकते। अब महंगाई बढ़ी तो उन्हें 200 रुपए में तेल लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर गरीब इंसान 500 रुपए कमा रहा तो उसे 200 रुपए में तेल लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो 1 किलो की जगह वो 1/2 किलो लेगा। कुछ भी नहीं अच्छा हुआ, ऐसे बैठे हैं बेकार, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। आप तो यहीं पर हैं, यहीं पे योगी जी भी रहते हैं, उन्होंने बहुत से दावे किया, कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो हम लोग के लिए तो क्यों, आप अयोध्या नहीं गई? नहीं, हम नहीं गए अयोध्या, पैसे ही नहीं हमारे पास, जाएंगे क्या, गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे हम। नहीं तो, लेकिन 5 साल के बारे में अभी आपके यहाँ पे सामने भी 2 लोग हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, हम दोबारा उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा हुआ फिलहाल, कुछ भी नहीं अच्छा हुआ, कुछ मिला भी नहीं, कुछ अच्छा भी नहीं हुआ हमारे लिए। तो मुश्किल क्या हुई? मुश्किल परेशानी है, ये राशन वाला सब महंगा हुआ है, गरीब आदमी कहाँ लेके आएंगे, क्या करे क्या ना करे, कुछ आए भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है। वोट डालती हैं आप? हाँ। तो इस बार किसका मन है आपका? वोट डालेंगी तो वोट किस पर है आपके लिए? अच्छा ये बताइए कि 5 साल के बारे में, अभी चुनाव होने वाले हैं, योगी जी ने कहा कि उन्होंने बहुत विकास किया है, बहुत गरीबों को राशन दिया है, राशन तो मिला बेटा, बहुत नौकरियां दी हैं। नौकरी नहीं दी बेटा, राशन दे रहे हैं, बच्चा झूठ के बोले। अब बहू देखो हमारा लाचार बैठी, हमारा भैया लाचार बैठा, ना कहीं ड्यूटी है ना धंधा, बच्चा कुछ भी नहीं है बाबू, समझे? अरे बच्चा हमारा लाचार है, बहू को तो मिलना चाहिए, समझे? नौकरी नहीं मिली? नहीं, कच्चे में से कर रहे थे, उसको भी हटा दिया बेटा। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा निकम्मा अगर कोई प्रमुख हुआ है मुखिया, तो ये हमारा मोदी हुआ है। हम वोट दिए थे पिछली चक्कर, बहुत पछता रहे हैं,
जन पछता रहे, पछता इसलिए रहे, बेरोजगारी चरम पर है। हमारे तमाम स्नातक किए हुए बच्चे दरों दरों घूम रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जगह निकाल रहे हैं, वो सिर्फ पैसा निवेश कर रही है गवर्नमेंट, भारत सरकार, स्टेट, योगी सरकार, लेकिन खाली लाठी मारने के लिए मार खा रहे हैं बच्चे। लेकिन योगी जी तो पोस्टर पूरी जगह पे लगा, यहाँ से लेके दिल्ली तक, हम तो दिल्ली से भी आए तो वहाँ पे पोस्टर लगा कि भाई इतने करोड़ों नौकरियां दे दी उन्होंने। ये खाली कागजी उनके घोड़े दौड़ रहे हैं, वास्तव में आप देखेंगे जमीनी स्तर पर किसी को, आप इतनी बड़ी कॉलोनी हमारी है, कोई एक को कहीं नौकरी मिले, वो सब प्राइवेट कर रहे हैं, सब प्राइवेट कर रहे हैं, ठेकेदारी में हो गया। लेकिन राम मंदिर तो बना दिया। अरे राम मंदिर से हमारी रोटी थोड़ी चलेगी, आम आदमी की राम मंदिर, वहाँ दो चार लोग फूल बेचेंगे, उनसे सारा उत्तर प्रदेश की पेट पल जाएगा। आप बताएं, लगेगा कहना है कि लोग गुस्सा हैं, गुस्सा इतना गुस्सा, इंतजार कर रहे हैं हमारा नंबर कब आए वोट डालने का, बटन दबाएं। और इतिहास में लोग बोल रहे हैं कि वाल्मीकि समाज तो उनके साथ है और दलितों के साथ, यही कह कह के तो लोग को बनाते हैं। वाल्मीकि समाज हमारा शिक्षा का बहुत अभाव रहा है, वो पता नहीं था, लेकिन अब जागरूक हो चुका है। आपने अभी ये महिलाएं क्या बता रही थी, मजबूर हैं, सफाई के अलावा इनको कोई काम बताओ, कोई ऑफिस में है, उधर लड़की एमए कर रही है, कोई चांस है, आप बताओ, कहीं नहीं मिलेगा। हाँ सफाई करने का ही उसको मिलेगा, वो भी ठेकेदारी में, कितना मिलेगा, 2-3 हज़ार रुपये में। लेकिन एक आखिरी सवाल, हाँ बताएं, लोग वोट डालते समय ये याद रखेंगे या हिंदू मुसलमान बड़ा मुद्दा हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम करके वो बहकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब की आदमी तय किए बैठा है कि हम उनको सबक सिखाएंगे, इनको यहाँ खदेड़ के भगाएंगे। इस समय हम खड़े हैं लखनऊ के पुराना किला मोहल्ला में, सदर इलाका आता है ये, और ये इस इलाके की खासियत ये है कि ये नाले के इधर उधर दोनों तरफ बसा हुआ है, और यहाँ पर हम जानना चाह रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। आपका नाम क्या है और क्या काम करती हैं? हम काम कुछ नहीं करते, मेरा नाम शहनाज बानो है जी। शहनाज जी ये बताएं कि अभी जो चुनाव हो रहा है इसमें क्या मुद्दा होना चाहिए और क्या मुद्दा है? मुद्दे बहुत होना चाहिए, होता कुछ नहीं है, मुद्दे तो बहुत है, होता जैसे हाँ जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी, यहाँ पर पानी घर घर घुसा पूरा यहाँ तक भरा, कोई यहाँ तक छोटे छोटे नेता तो नहीं पूछ रहे हैं, तो बड़े तो बहुत दूर की बात है, बड़े कहाँ आएंगे। पहले तो हमने कमल में दिया था वोट, लेकिन अब तकलीफ है सबको, गैया है, बछड़े हैं, सब खुला घूम रहे हैं, नुकसान करते हैं, तो इसलिए कहते हैं नई सरकार आए। गाँव में क्या सब लोग सोच रहे हैं या खाली आप सोच रहे हैं? सभी सोच रहे हैं, सोच तो सभी रहे, लेकिन अलग अलग सबकी सोच है। हम तो सही किल में वोट देंगे। अच्छा, हाँ। और हाथी का भी जोर है वहाँ? हाथी का भी जोर तो है, लेकिन सब नहीं दे रहे हैं इनको। अच्छा। हाँ, कुछ तो लोग कितना हैं। लोग नाराज हैं? अब नाराज तो पूरे मान लो गांव ही है हमारा जो है। तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या हुई होगी सरकार में? स्कूल, अरे मुश्किलें तो बहुत है, क्या क्या मुश्किल बताई जाए, कोई बता नहीं सकते है। थोड़ा बताइए क्या मुश्किल है? अरे मुश्किल तो बहुत है, अब जहाँ देखो तहाँ कांड होते रहते हैं, कहीं कुछ होता रहता है, कहीं लड़कियों में, कहीं लेडीजों में, औरतों में, कहीं आदमी है, जेंट्स लोग इधर मारे जाते उधर मारे जाते हैं, तो यही तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं है। सिलेंडर विलेंडर फ्री वाला मिला था आपको मोदी जी का? हमको कुछ नहीं मिला है, लेकिन राशन तो मिला होगा फ्री? राशन भी मिलता है, अभी थोड़े दिनों से मिलने लगा है, हमको तो कभी नहीं मिला है, यही लॉकडाउन से मिलने लगा था, तो कभी हफ्ते में एक महीने में एक बार दे दिया, कहीं नहीं दिया, आधार भी ले लिया और कुछ भी नहीं दिया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि राशन से काफी लोग वापस योगी जी को वोट देंगे, ऐसा सच है क्या? अब हम तो नहीं देंगे, दुनिया देश से क्या लेना देना हमें। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा है राशन से? अब फर्क है तिनको है, हमको तो कुछ फर्क नहीं है। 5 साल में आप मोदी भक्त हैं, 5 साल में क्या फायदा हुआ आपकी जिंदगी में? हमारी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं फायदा हुआ, मेरे हस्बैंड की नौकरी चली गई, सब कुछ, बस ये है कि हाँ देश में कुछ बदलाव हो रहा है ये सुनाई देता है। आप देश में नहीं है, आपके हस्बैंड देश में नहीं है? नहीं है, कि ये रोजगारी भी चली गई, कैमरे काम करते थे तो भी सब चला गया कोरोना की वजह से, हमारे टिफिन के काम करते थे वो भी बंद हो गया, बस यही सब है। आपका जीवन में आसान हुआ होगा तभी तो आप इतना सपोर्ट करती हैं, जैसे तो पेट्रोल डीजल भी कुछ आपके लिए स्पेशल हुआ होगा? नहीं है, पेट्रोल डीजल से मतलब ही कुछ नहीं होता है, गैस भी इस्तेमाल नहीं करते? नहीं करते हैं, गैस क्यों नहीं करते हैं, सबको मिलता है, वही हमको भी मिलता है।
भाई ये है कि राशन नहीं, हमको मेरे राशन कार्ड ही नहीं बना था, अब बना है तो मिलेगा भाई। रहे बात राशन की, वो कुछ नहीं, बस ये है कि हाँ हमको सपोर्ट करना है बीजेपी को।